हेलो गाइस, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रिशु सौरिया एंड आई एम रिशु सौरिया एंड आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम कहते हैं दिस इज नॉट अ टॉपिक, दिस इज अ एंटायर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है। और अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग वो पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं, मतलब वो अभी क्लासेस रेगुलर मैनर में नहीं हो पा रहा। तो अगर हम उस क्लास को छोड़ देने के बाद अगर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है तो एक बहुत ही बुरी बात है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों को उसी क्वालिटी एजुकेशन को कंटिन्यू प्रोवाइड कर दी जाए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना एक बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रो स्टैटिक। हमारा जो चैप्टर है गाइस वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो किसका डील करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे भी हम लोग अभी क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे पूरा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेट। तो इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो सबसे पहले या कहीं आप जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, होता है कि नहीं होता। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट का एक इंट्रो ले लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, क्या समझते हो आप इलेक्ट्रोस्टेट से। तो चलिए गाइस हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टेट दैट मींस अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट पे आते हैं। इलेक्ट्रो का देखो दो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टेट, एक है इलेक्ट्रो एंड दूसरा है स्टैटिक्स। पहला है इलेक्ट्रो एंड दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है भाई, इलेक्ट्रो का मतलब होता है कोई भी चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब होता है कोई भी चार्ज एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब होता है भाई, स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज जो क्या हो, रेस्ट में हो। स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो जब कोई भी रेस्ट चार्ज की स्टडी करनी होती है या जहां पर हम पूरे रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जहां पर हम रेस्ट चार्ज के बारे में सारी बातों को पढ़ेंगे कि कैसे किसी रेस्ट चार्ज के कारण फील्ड प्रोड्यूस होगा, कैसे उसके कारण एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जब कोई दूसरा चार्ज उसके फील्ड में आता है, और कैसे उसके कारण पोटेंशियल जनरेट होती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेट मतलब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। यानी जब किसी रुके हुए चार्ज, कोई भी चार्ज जो रुका हुआ है यानी रेस्ट में है और फिर उसके कारण जो जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसके कारण जो जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसके चारों तरफ जो जो इफेक्ट हम देखेंगे उसकी जो स्टडी करेंगे, इसके कारण जो जो इसके इफेक्ट्स हैं, इसके इफेक्ट्स की स्टडी, इसके कारण से जो होने वाले जो जो इफेक्ट्स हैं उसकी जो आप स्टडी करेंगे वो कहाँ करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर करेंगे। तो हमारा जो इंट्रो वाला पार्ट है वहाँ पर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टेट मतलब वेस्ट चार्ज, यानी जो चार्ज वेस्ट में है उसकी जो एंटायर स्टडी है वो हम इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर करने वाले हैं। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने लिखा इंट्रोडक्शन। तो यहां पर क्या बोलेंगे बाबू, हमने बोला ना कि रुका हुआ चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे कि अभी हमने अभी तुरंत इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बोला था, तो क्या बोला था। तो चलिए यहां पर हम लोग अगला बढ़ते हैं कि हम लोग जो बोला, हमने क्या बोला इंट्रोडक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बोला अभी कि ये जो है ना किसी भी स्टैटिक चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और फोर्स जनरेट होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या करता है, इट डील्स विथ स्टैटिक चार्ज के कारण जो अराइज हो रहा है, क्या अराइज हो रहा है बोले थे आपको अभी,
और तीसरा बताए थे पोटेंशियल। तो हम लोग यहां क्या देख रहे हैं, हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टेट है वो डील करता है स्टैटिक चार्ज के साथ। तो क्या डील करता है कि कोई भी स्टैटिक चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो फोर्स प्रोड्यूस करता है और जो पोटेंशियल जनरेट कर रहा है वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में करने वाले हैं। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में आते हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसमें क्या करने वाले हैं। तो हम लोग अच्छा चलो एक बात सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको आप देखो ना कि क्या है, आखिर उसको फील नहीं करोगे क्या कि मतलब कहाँ होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टेट, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। जस्ट ऐसे कि डेफिनेशन कर दिए कि किसी भी रुके हुए चार्ज के कारण जो जो इफेक्ट है जैसे फील्ड फोर्स एंड पोटेंशियल, तो इतने से इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट नहीं होती है इंट्रोडक्शन। कुछ चीजों को आपको देखना होगा कि नेचुरली भी आप देखते हैं, जैसे आपको बोलता हूँ मैंने लाइटिंग नहीं होता, जब बारिश पड़ रही होती है तो जब दो बादल आपस में टकराते हैं उसके कारण एक लाइटिंग होती है जिसको बिजली कहते हो आप, तो वो भी एक इलेक्ट्रोस्टेट के फिनोमेना से बिलोंग करता है। दूसरी बात, जब आप देखते हो कि दो वायर को प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जब क्या करते हैं टच करते हैं तो वहां पर एक स्पार्क जनरेट होता है, वो भी हम कहाँ देखते हैं, वो भी हम इलेक्ट्रोस्टेट के पार्ट में ही समझते हैं। आप समझ रहे हो, इस तरह के बहुत सारे फेनोमेनाज हैं जो नेचुरली भी हो रहे हैं और आर्टिफिशियली भी हो रहे हैं। इन सारे फेनोमेनाज को हम कहाँ देखेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे, तो वो हम इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर पढ़ेंगे। आपको मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाने हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हमने आपके लिए रखा है। जैसे ये पिक्चर है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि किसी भी एक कंटेनर के अंदर क्या है, एक स्पार्क जनरेट, बहुत ही हाई मतलब हाई क्वालिटी का स्पार्क जनरेट कर दिया गया है यहाँ पर। एक पिक्चर आप यहाँ देख रहे हो, चलो अब हम लोग एक और पिक्चर यहाँ पर देखते हैं, वो क्या है, स्पार्क का ही है, दूसरा भी स्पार्क का है। आप देख लो दो टर्मिनल यहाँ पर क्या है, देखो तो यहाँ पर क्या है दो टर्मिनल, एक ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो क्या जनरेट कर रहा है बोलो, तो यहाँ पर ये क्या जनरेट कर रहा है, स्पार्क जनरेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं, और भी बहुत सारे फिनोमिना है। जैसे ये क्या है, ये तो आप सबको पता होगा, ये क्या है बताओ, आपने नहीं देखा जब बारिश पड़ती है तो क्या होती है, बिजली गिरती है। देख लो ये यहाँ पर नीचे क्या है बाबू, ये हमारा कोई एरिया है, लोग रह रहे हैं यहाँ पर, लाइट दिख रहा है आपको, और ये क्या है, जब दो बादल आपस में बारिश के टाइम टकराती है तो ये क्या क्रिएट करती है, लाइटनिंग। तो ये क्या है हमारा, लाइटनिंग है, यही है ना लाइटनिंग, दिख रहा है आपको। ये लाइटनिंग कब होती है, जब बारिश पड़ता है, रेनी डे, ठीक है, रेनी डे में हम लोग क्या देखते हैं, ये लाइटनिंग देखते हैं, ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। चलिए अब और कुछ पिक्चर देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये देखो, ये भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क का ही पिक्चर, यहाँ पर भी यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक प्लाक हौसला का मतलब स्पार्क कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग बहुत सारे मूवीज में, जैसे एवेंजर्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे मूवीज हैं हॉलीवुड के, बहुत इधर हॉलीवुड में बहुत सारे जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है, जैसे कोई भी आप लोग बहुत तरह के देखते होंगे जहाँ पर ऐसा उंगली कर देते हैं और यहाँ से कुछ स्पार्क निकल रहे होते हैं, समझ लो। तो ये सब क्या है, ये सभी एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है जो वहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं, और जब हम लोग ये देख लेते हैं इसके बाद हम लोग इसी तरह का बहुत सारा लाइटनिंग का फेनोमेना, ये भी प्रॉपर एग्जाम्पल है लाइटनिंग का। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं उन चीजों को जो इलेक्ट्रोस्टेट हो रहा है हमारे रियल लाइफ में, हमने पढ़ना नहीं है केवल कि लिख दिए और हाँ हो गया खत्म, नहीं बाबू, देखो यहाँ पर ना कुछ चीज को आपको फील करना हो, कुछ चीज को आपको समझना हो और कुछ चीज को आपको याद रखना हो, तीनों ही बात होगी, ऐसी नहीं होती कि कोई भी याद करके रख लो और हो जाएगा, या ऐसा नहीं केवल समझ के ही हो जाएगा, आपको हर चीज को एक प्रॉपर अमाउंट में कंबाइन करके जब काम करोगे ना तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। और सक्सेस से भी इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो आपका जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए, जब इंटरेस्ट आपके साथ होगी तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो अभी जो चल रहा था टॉपिक इलेक्ट्रोस्टेट पे, हम लोग बहुत सारे फेनोमेनास को देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, हम लोग जान लिए कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है, कि कोई भी रुके हुए चार्ज के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो कोई भी चार्ज अगर हम कहीं देख लेते हैं कि किसी भी स्पेस में क्या हो रहा है, कोई भी चार्ज, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक चार्ज क्यू है जो रुका हुआ है, तो इसके कारण से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस, अभी बताया इसके कारण चारों तरफ क्या हो जाता है, अभी हम लोग ने बहुत कुछ लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे थे, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इमेजिनरी लाइन पर
क्या जनरेट हो रहा है वो, तो इसके इमेजिनरी काइंड बनना एक फील्ड जनरेट हो रहा है। कैसा फील्ड जनरेट हो रहा है देखो, तो इस टाइप का एक फील्ड जनरेट हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं, चारों तरफ से। अगर हम मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ से क्या जनरेट हो रहा है, फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये क्या है इंफिनिटी पर है, ठीक है। तो सपोज करो कि यहाँ एक किसी भी चार्ज के कारण चारों तरफ क्या जनरेट होता है, एक फील्ड जनरेट होता है। अब ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, अगर जिसको नहीं पता है ना वो टेंशन मत लेना, सब चीज हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, घबराना नहीं है। और जो जान रहे हैं उनके लिए मैंने बताया किस तरह की आपने चीजें देखी होंगी कि कोई भी चार्ज है। अब इसी में एक और बात लिखा होगा, जब पॉजिटिव रहता है तो क्या करता है, वर्स करता है, और जब नेगेटिव होता है तो मिलता है। ये सारी बातों को हम लोग भी आगे अभी पढ़ने वाले हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग अब इंट्रोडक्शन से आगे बढ़कर आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर। कहाँ आते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज पर। सही सुना आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज के फेनोमेनान देखे, बहुत सारी घटनाएं देखी इलेक्ट्रिक चार्ज के, लेकिन आपको शायद उस समय ये चीज नहीं बताया गया हो कि यही इलेक्ट्रिक चार्ज है। आप लोगों ने नहीं किया था जब आप लोग बचपन में क्या देखते थे कि जब पेन आता था आपके हाथ में, क्या करते थे आप, हेयर के साथ रब करते थे उसको, बाल के साथ, और क्या करते थे पेपर के छोटे छोटे पीसेस को उसके पास लेके जाते थे, तो छोटे छोटे पीस पेपर के आ जाते थे उस पेन के साथ, क्या होते थे अट्रैक्ट हो जाते थे। तो वो क्यों होता था, ये तो हम लोग करते थे, लेकिन ये क्यों, आखिर ये क्यों हो रहा था? तो इसका रीजन है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ लो, तो अभी हम समझाएंगे अगर नहीं समझ लो तो, कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं, और ये बहुत बहुत बच्चों को पता होता है कि एक जो अपोजिट नेचर का चार्ज होता है ना, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एक अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और दूसरा नेगेटिव नेचर का चार्ज है, तो ये दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, वो अट्रैक्शन होगा। और अगर यहाँ पर दोनों ही सेम नेचर का चार्ज हो जाए, तो ये इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। बात समझ लो, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक जगह अट्रैक्शन देख रहे हैं, एक जगह रिपल्सन देख रहे हैं। तो यही कुछ हो रहा है वहां पर भी, जब आप रब कर रहे हो पेन को अपने हेयर से और किसी छोटे से पेपर के पीस के पास उसको लेके जाते हो, तो वो छोटा सा पीस अट्रैक्टेड होता है, ये अट्रैक्टिव फील करता है। बस इतना ही लॉजिक था वहां। तो चलिए ये बात को आपने समझ लिया, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इतनी सारी बातों को आपने समझा है, चलिए हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पे आते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज करने वाले। तो सबसे पहला लाइन जो मैं इसमें बोलने वाला हूँ, ये बोलने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत आवेश, ठीक है। तो विद्युत आवेश में क्या बात है, तो विद्युत आवेश में हम लोग बहुत बार देखते हैं प्लस चार्ज है, कहीं कहीं माइनस चार्ज लिखा हुआ रहता है, कहीं कैपिटल वाला क्यों लिखा रहता है, बहुत तरह तरह के सिंबल्स होते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो आप मन से आपके मन पे डिपेंड करता है, कोई भी सिंबल इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज से आप क्या सोचते हो, चार्ज से क्या समझते हो? एक्चुअली पता है बाबू, चार्ज ना कोई मतलब सब्सटेंस नहीं है वो, जिसको आप समझ रहे हो कि चार्ज एक सब्सटेंस है, नो, दिस इज नॉट अ सब्सटेंस, नॉट अ क्वांटिटी, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ये गुण है। आप समझते हो ना, जैसे हम बोलते हैं किसी में अच्छाई है, बोलते हैं ना ये लड़का अच्छा है, क्या कहते हैं, वो लड़का अच्छा है, तो अच्छाई उसकी गुण है, नॉट लड़का है, समझ रहे हो बात को। जैसे वो लड़का ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदारी उसकी गुण बताती है, ठीक है, कि अगर वो किसी को झूठ नहीं बोलता। कोई दयालु है, दयालु एक गुण है, कि जैसे कोई भूखा है उसको खाना दे रहा है, तो उसके गुण को दिखाता है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, गुण है वो। लाइक कोई किसी भी सब्सटेंस में गुण होता है चार्ज का, मतलब आवेश एक गुण है जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना यहाँ पर, तो आप गलती करते हो। अक्सर आदमी को मैंने बोलते हुए सुना है कि चार्ज एक सब्सटेंस हो जाता है, अरे सब्सटेंस नहीं है वो, दिस इज अ चार्ज एक प्रॉपर्टी है। जैसे आप बोलते हो ना कि वो अच्छा आदमी है, वो आदमी अच्छा है, अच्छा क्या बोलता है, एक प्रॉपर्टी बनाता है, आप पढ़े हो गए एडजेक्टिव, उसी तरह ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक प्रॉपर्टी है बाबू, जो किसी सब्सटेंस के साथ आती है, किसी मास के साथ आती है, यानी कोई मास है जिसमें क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर मास एग्जिस्ट करेगी तभी चार्ज होगी,
क्या मतलब हुआ कि हमेशा जो चार्ज है, अगर हम बोलते हैं कोई एक चार्ज है जो एक प्रॉपर्टी है, तो वो किसके साथ आ रही है? मास के साथ आ रही है। यानी चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, कि मतलब चार्ज अगर होगा तो उसका क्लियर मतलब है कि वहां मास है। बात समझ लो, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि क्या चार्ज एग्जिस्ट कैसे करेगी भाई? इंसान होगा तभी ना उसके अंदर अच्छाई होगी या बुराई होगी, समझ लो। वो एक प्रॉपर्टी है जो किस पर? मास पर डिपेंड करती है, मास होने पर एग्जिस्ट करती है, समझ लो ना। तो चलो वही बात हम बोलना चाह रहे हैं, कोई भी चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पहला लाइन क्या बोला, तो हम लोग अभी दिखा रहे हैं आपको लाइटनिंग दिखाए, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखाए, या कोई भी जैसे आप लोग सोल्डिंग वाले दुकान पे जाइएगा क्या देखते हैं हम लोग बार बार, वो जो आपका स्पार्क दिखते हैं वहां पर। तो हम ये इस बात से क्या कह सकते हैं, आप बोल रहे थे कि रब करते हैं जैसे हेयर से पैन को, तो वो पैन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को। उसके साथ साथ आप लोग बहुत सारे ऐसे फिनोमेनास देख रहे होंगे जैसे पार्टी बेलून, इसको क्या करते हैं कहीं भी दीवार में जाकर रख देते हैं तो वो चिपक जाता है। ये सारी चीजों को आपने देखा होगा। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है ना हर जगह, तो इस बात पर हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज आर एवरीवेयर, चार्जेस आर एवरीवेयर, ठीक है। पहला लाइन ये होगा मेरा। दूसरा लाइन क्या होगा चार्ज के बारे में, कि चार्ज कोई क्वांटिटी नहीं बाबू, एक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज दूसरा लाइन होगा, चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे जब क्लियर कट में बोल दिया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। अच्छाई क्या है, एक गुण है किसी भी इंसान की। बात समझे, अच्छाई क्या है, एक इंसान की गुण है, एक प्रॉपर्टी है इंसान की। चार्ज क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। और हमने जो नेक्स्ट लाइन बोला था वो क्या बोला था, वो हमने क्या बोला, एक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की, यहां तक समझ गए। और दूसरा, ये हमेशा एसोसिएट करता है किससे, मास से। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब समझे, हमने क्या बोला कि अच्छाई किसी भी इंसान में होती है, मतलब अगर इंसान है तब ना अच्छाई है। उसी तरह हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कोई भी चार्ज जो बोलते हैं, कोई भी चार्ज जो है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, मास के साथ। कि अगर मास है तब ना उसमें चार्ज होगा। जैसे अच्छाई गुण थी, तो अच्छाई गुण किसके अंदर होती है, किसी इंसान के अंदर होती है। तो अच्छाई इंसान के अंदर, मतलब इंसान रहेगा तब ना उसके अंदर अच्छाई होगी, या बुराई इंसान के अंदर होती है। उसी तरह जैसे हमने बोला कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तो किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। और अगर कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर कोई मास एग्जिस्ट करेगा, तो क्या बोलेंगे हम, हमें हमेशा बोलेंगे इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब कोई भी चार्ज है वो किसके साथ एसोसिएट कर रहा है बाबू, तो वो मास के साथ। क्या बोलेंगे, इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। यहां तक क्लियर हो गई आपकी बातें? तो चलिए, ये सारी बातें किसके अवॉर्ड की, एक चार्ज के अवॉर्ड की, ठीक है। अब एक और बात बोलते हैं हम आपसे, जैसे आप लोगों ने अभी तक सुना होगा और बहुत सारी बातें हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको बता देना है कि चार्ज की और एक बात होती है कि चार्ज होता है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उसको समझ में आ रहा होगा, आपने एक रिलेशन पढ़ा था क्यू इक्वल्स टू एनी, तो वहां पर ये भी देख रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है। यहां नहीं लिखना है इसको, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक इतनी बातों को समझ पा रहे हो आप, वेरी गुड, अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे हमें, मतलब हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको एकदम बेसिक फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आप सबको एक एक बात समझ में आए, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इतनी बातों को समझे, फटाफट देखिए, चार्ज आर एवरीवेयर, चार्ज हर जगह पे है, आपको दिखाया मैंने।
दूसरा चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर चार्ज एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, इतना बात समझ में आया। और तीसरी बात जो हमने बोला कि ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी जब भी कोई मास होगी तो ये निश्चित बात है उसके अंदर एक आवेश होगा, इसमें आवेश होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ तक बातें समझ चुके हैं। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब चार्ज हम बात करते हैं तो दूसरी बात आती है न्यूट्रल होने की। अगर कहते हैं कोई बॉडी चार्ज है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कोई बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल भी आप नाम सुने होंगे, उदासीन हिंदी में कहते हैं इसको। तो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है बाबू? तो चलिए हम लोग एक बार वो भी देख लेते हैं। तो उससे पहले हम ना एक रुख करते हैं किसके तरफ, एटम की तरफ, ठीक है। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि एटम, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एटम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा अभी तक में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है एक बेसिक डेफिनेशन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन किसके अबाउट कर लेते हैं, एटम के अबाउट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा एटम को। एटम क्या है भाई? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, एटम, ठीक है। एटम का एक बहुत अच्छा सा फिगर हम लोग यहाँ फटाफट बना लेते हैं। चलिए देखिए एक कितना कितना प्यारा सा पिक्चर बन गया यहाँ पर। चलिए इसके अंदर एक और प्यारा सा चीज होता है, ठीक है। अब इन दोनों प्यारे सी चीज का नाम बता दीजिए, जो दोनों प्यारा प्यारा चीज है ना इसका भी नाम हम आपको अभी तुरंत बता ही देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते जाइएगा, अगर सब बात समझ में आएगा, क्लियरली आएगा सब। ये वाला जो पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, आप लोग को पता होगा इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस, नाभि, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और यहाँ क्या क्या होता है आपको वो भी बताएंगे आपको, चलिए कोई बात नहीं। और ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। ये वाला जो है क्या कहलाता है, ये जो हम डॉटेड लाइन देते जा रहे ये सब क्या है बोलिए, ये मेरा ऑर्बिट, ठीक है, कक्षा, इसको कहते हैं ऑर्बिट। तो हमने एटम का एक फिगर देखा, यहाँ पर एक न्यूक्लियस को हमने देखा और ऑर्बिट्स देखा। अब देखो ये भी घर है किसी का, जैसे आप लोग घर में रहते हो ना, ये भी किसी ना किसी का घर है। अभी आपको बताने वाले हैं किसका किसका घर है, चलिए ध्यान से देखते रहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ना ये जो घर आपको छोटा सा घर दिख रहा है, छोटे से घर में कौन रहता है पता है आपको, आपको पता होना चाहिए छोटे वाले घर में ना प्रोटोन और न्यूट्रॉन बसता है। मतलब ये जो छोटा वाला घर आपको दिख रहा है यहाँ कौन कौन रहता है, यहाँ दो आदमी रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, प्रोटोन साहब रहते हैं और न्यूट्रॉन साहब रहते हैं, ठीक है ना। और एक और रहते हैं, एक शख्स और है जो कहीं और रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं बाबू, तो वो इसमें रहते हैं। ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका इसके ऊपर वाला, वो वहां रहते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है बाबू बताओ फटाफट, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन साहब रहते हैं, कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन साहब रहते हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। चलो तो आपको अब इतना बात दिखा, ये मेरा क्या है, मेरा इंटायर एटम है, ठीक है ना। एक एटम है जिसमें अंदर यानी न्यूक्लियस वाले पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, चारों तरफ यानी ऊपर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो यहां तक में क्लियर हो जानी चाहिए ये बातें। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और इंट्रोडक्शन में अगर रखते हैं तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कोई भी एटम जो रिप्रेजेंट इससे किया जाता है एक लेटर है एस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दो चीज देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मास नंबर को समझते हैं, दूसरा एटॉमिक नंबर को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गई कि कोई भी एटम है जिसका एक सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड जो बाहर वाला है वो पोर्शन क्या कहलाता है, इसका ऑर्बिट, इसका ऑर्बिट कहलाता है, जहां पर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कंटिन्यू रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई ये बातें। अब चलिए हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है जहां पर एक यहां पर नीचे एक सिंबल जेड कर लिया जाता है और ऊपर एक सिंबल ए कर लिया जाता है। यहां पर क्या क्या होते हैं, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर एंड ए क्या होता है बाबू, ए इज अ मास नंबर। तो जेड इज अ एटॉमिक नंबर एंड ए इज अ मास नंबर। तो यहां पर इसको लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। और दूसरा जो हमारा ए है इसको हम लोग यहां क्या कहते हैं, मास नंबर।
ठीक है, तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या था, किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन था। किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन था, जहां पर ये क्या था मेरा एटॉमिक नंबर था और ये क्या था मेरा ए मास नंबर था। ठीक है, तो चलिए फटाफट डिफाइन करते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर। यहां तक आपको दिखा ये कोई एटम था जिसका हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, उसके बाद जो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक कैपिटल एक्स से होता है, जहां पर नीचे जेड लिखा रहता है और ऊपर एक ए लिखा रहता है। जेड मतलब हो गया आपका एटॉमिक नंबर, एंड जो ऊपर ए रखा है उसको कहते हैं हम लोग मास नंबर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते हैं क्या है जेड और क्या है ए। तो आप लोग समझते होंगे ये बात तो हमें पता है पहले से कि जो ये मेरा ए है ना वो क्या है हमारा मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है बाबू, तो मास नंबर होता है हमारा सम ऑफ ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो मास नंबर है हमारा मास नंबर वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है मास नंबर ए। बातों को समझ रहे हो आप, चलो ठीक है। और दूसरा हमने क्या डिफाइन किया है बाबू, यहां हमने दूसरा चीज जो डिफाइन किया है वो हमारा जेड। ठीक है, जेड क्या होता है, अभी हमने बताया जेड इज अ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हमने एटॉमिक नंबर को भी बताया, एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, एटॉमिक नंबर को कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर डिफाइन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमें एटॉमिक नंबर देता है, और जो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो हमें क्या देता है मास नंबर देता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखो एक और बात, आप बहुत अच्छे सोच रहे होंगे यार हम लोग तो पढ़े थे इलेक्ट्रॉन भी होता है मास नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो नहीं बाबू ऐसे आप बोलना बहुत गलत होता है कि आप डायरेक्ट बोल दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब होता है ना जब आपका एटम आइसोलेटेड होगा, यानी जब एटम आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब समझते हो, अभी तो समझ रहे होंगे हर कोई आइसोलेशन कोड जो आया हुआ है कि जो भी कोरोना पेशेंट आते थे उसको हम लोग आइसोलेशन कोड में भेज देते थे, समझ रहे हो ना, तो वही है आइसोलेटेड एटम, यानी जब किसी दूसरे एटम से या किसी भी इन्वायरमेंट के किसी भी अनदर एटम पार्टिकल से क्या हो अनइफेक्टेड हो, कि मतलब कोई दूसरा उससे ना तो रिएक्शन कर रहा हो या ना उस पर इफेक्ट डाल रहा हो, तब उसको कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड। और जब वो आइसोलेटेड होता है तब क्या होता है कि जब आइसोलेटेड वाला कंडीशन होता है, जब कोई भी एटम क्या है आइसोलेटेड, जब कोई भी एटम आइसोलेटेड है तब हमारा जो एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन भी होगा और वहां पर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है ना, वहां पर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक बातें आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो चुकी है। तो फटाफट हम लोग अब देखते हैं कि हमारा जो चार्ज है, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एटम है कितने एलिमेंट्री पार्टिकल में डिवाइडेड है, मतलब क्या क्या उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एटम्स को थोड़ा सा और अंदर से पढ़ना। यहाँ तक आप लोग देख रहे हो अच्छे से, ये हमारा कोई भी एटम का डेफिनेशन है। ठीक है, अब जो एटम है हमारा, अभी हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे हमने की लिखा था मैंने, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, और यहाँ पर पी प्लस था, इसको पी एक्चुअली पी प्लस में लिखा जाता है, कहीं कहीं पी भी लिखा जाता है। तो पी क्या है मेरा बाबू बेटा, ये है मेरा प्रोटॉन, और हमारा जो एम है वो क्या है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमारा तीन पार्टिकल दिख रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसका नाम होता है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा क्या है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम का क्या होता है एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, हर एक बात छोटी छोटी बातों को हमने क्लियर किया है कि सबसे पहले हमने एटम को डिफाइन किया, एटम ने हमने देखा प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर था और उसके चारों तरफ क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन था। अभी यहाँ पर हमने डिफाइन किया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो इसका है किसी भी एटम का वो एक्स है,
ठीक है। और इस x को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक z देखते हैं और एक e देखते हैं। z को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और a को कहते हैं मास नंबर। यहाँ पर जो z एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। लेकिन जब कोई भी एटम आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड मतलब बाहर से उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो वही इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और दूसरी बात की मास नंबर जो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। यहाँ तक आपको बातें आई थिंक क्लियर हो चुकी है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल क्या क्या, तो हम लोग पहले एटम को डिफाइन किए थे और उसके बाद फिर क्या डिफाइन किए कि एटम जो है तीन पार्टों में बटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हो गई है, आई थॉट की हो गई होगी। उसके बाद हम लोग एक और बात जा रहे हैं, यहाँ से एक और बेसिक चीज को समझ लेते हैं। यहाँ तक आप लोग देख लो ठीक से, आई थॉट की यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक तो बात आती है जैसे हम लोग बोले ना इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस वाला दे दिए थे, प्रोटॉन पर कहीं कहीं लिखते हो प्लस लिख देता है, तो क्या है ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज को कर रहा है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग जो फंडा है वो समझते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली ये चार्ज होता है ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल, और हमारा तीसरा है वो होता है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। तो जितना आप लोगों को आई थॉट पता होगा कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो कैसा होता है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस टू से, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, प्लस टू है। हमारा जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन माइनस टू। और जो न्यूट्रल होता है उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, वो जीरो है, यानी कोई भी चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल भी देखा था, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था उसमें हमने प्रोटॉन बोल दिया था, प्रोटॉन ही क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्टिकल। और न्यूट्रॉन क्या है, और नेगेटिव में क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन को बोल दिया था ये माइनस करके, और न्यूट्रल में क्या बोल दिया था, ये प्रोटॉन जो हमने एक्यूरेट देखा, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में हमने प्रोटॉन देखा जिस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव नेचर का। दूसरा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रल में जिस पर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि क्या चार्ज होता है किसी इलेक्ट्रॉन पर, किसी प्रोटॉन पर और किसी न्यूट्रॉन पर। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या मास एग्जिस्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।